बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। व्यूवर्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और ये सर्दियों में बहुत ही मज़े की लगती है। सर्दियों में नई सब्ज़ियाँ आती हैं तो बहुत ही मज़े की लगती है, इसकी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। ये मैंने मेथी ली है, ये आधा पाव मैंने मेथी ली, इसको मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। और ये मैंने मटर लिया है, एक प्याली मैंने मटर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको बारीक कट कर लिया है। और ये मैंने गोभी ली है, ये इस तरीके से मैंने गोभी भी कट कर लिया है, और आधा किलो गोभी है। और ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, उसको भी बारीक चॉप कर लिया, कट कर लिया। और ये मैंने लिया है शिमला मिर्च है, इसको भी यूँ काट लिया है। और थोड़े से मैंने बैंगन लिए हैं, बैंगन मैंने कम लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा बैंगन से ये फिर सब्ज़ियों का कलर ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैंने कम लिए। और ये थोड़ी सी मूली ली है, गाजर लिया है मैंने, और ये मैंने 2 अदद मैंने प्याज ली है दरमियानी साइज़ की। मैंने ऑयल चढ़ा दिया है चूल्हे पे, अब मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। ये 1/2 कप मैंने ऑयल लिया था, इसको मैंने गरम कर लिया, इसके अंदर मैंने ये प्याज डाल दिया, इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब ये प्याज में कलर आ चुका है, अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। थोड़ा सा भूल गया, फिर इसमें ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून किया था वो ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डालूँगी। अभी बस इसके अंदर मैं डाल दूँगी, इसमें रेड चिली डालूँगी, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला। और इसके अंदर मैं डालूँगी ये धनिया पाउडर, इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून डाला मैंने। और इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाला मैंने। और इसके अंदर हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर नमक हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मसाला भून जाए तब इसके अंदर हम सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। इसके अंदर हम सारी सब्जियां ऐड कर देते हैं। जो सब्जी के अंदर पानी नहीं डलता, ये अपने ही पानी में सब्जी गल जाएगी, इससे ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप पानी नहीं शामिल करिएगा। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करके अब कवर करके रखेंगे गलने के लिए। अब मेथी जो रह गई है वो मेथी हम जब हमारी सब्जियां गल जाएंगी फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें सब्जी हमारी गल चुकी है। अब इसके अंदर ये जो हमारी मेथी कटी हुई है अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अब ये डालकर इसको हम थोड़ी देर और दम पे रख देंगे। ज़्यादा अपनी सब्जियों को नहीं चलाना वरना टूट जाएगी। नमक मुझे कम लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक, ये मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया। देखें कलर कितनी प्यारी कलर आई है सब्जी की, खाइएगा तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। अब इसे हम 5 से 7 मिनट और दम देंगे, सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। मैंने डिश आउट कर दिया है, देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है, खाने में बहुत टेस्टी होगी। अब घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोटी से खाएं, चावलों से खाएं, नान से खाएं, हर चीज़ से ही अच्छी लगेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।